ग्राम प्रधान बाद सचिव ने मिलकर किया मोटी रकम का घोटाला। आपको बता दें, खबर जनपद कन्नौज के तहसील छिमरामऊ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अतरौली से है, जहां ग्राम प्रधान ने आवास और शौचालय के नाम पर मोटी रकम का घोटाला किया। जब इसकी शिकायत जिला अधिकारी को दी, तब भी अभी तक कोई जांच नहीं हुई। हमारे संवाददाता को ग्रामीणों द्वारा जब जानकारी मिली कि ग्राम पंचायत अतरौली में अभी तक कई ग्रामीण कच्चे मकानों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं और प्रधान से कई बार कहा गया, लेकिन प्रधान ने ऑनलाइन के नाम पर ग्रामीणों से 500 रुपए लिए और कहा आवास सबको मिलेगा। अभी तक ना ही आवास मिला और ना ही रुपए। अभी तक अधिकारियों से शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण खुली झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं, जबकि सरकार ने गरीबों के लिए आवास, शौचालय व टीन सेट भेजा, लेकिन ग्राम प्रधान सब हजम कर गया। दलित बस्ती गंदगी से भरी पड़ी हुई है। अब सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है। नाम क्या आपका? श्यामा। ये मकान किसका है? मेरा। प्रधान जी से आपने ये नहीं कहा मैं कई कच्चे मकान में रहते हैं? अरे यहाँ पर प्रधान भी बनते हैं, यहाँ पर कोई आता है कोई भी यहाँ देता नहीं है, और कॉलोनी भी नहीं है, लेटरिन भी नहीं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। आप कैसे रह रहे हैं? आप जैसे रह रहे हैं मजदूरी करके रह रहे हैं। आपके पति क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। खेत है आपके पास? खेत भी नहीं है। आपको टीन सेट मिला? नहीं मिला। नाम तो आया आपका? पता ही नहीं। प्रधान जी से कन्फर्म नहीं किया आपने? बोला ही नहीं। बिल वाउचर तुम्हें दिखाए? प्रधान जी क्या कह रहे? है ही नहीं, मना कर रहे। तुम्हारे नाम का आया ही नहीं। रुपए तो निकल गए, हमें मालूम ही नहीं निकाले का हुए, पढ़े लिखे आए नहीं। काम कितने दिन किया? 32 दिन लगभग। रुपया? ये कौन नहीं आओ खाता। प्रधान जी से आपने नहीं कहा? खूब कही, आज ही कही हमने। कहा कही फिर? मेरे से कही हमने, पैसा डलवा के डलवाए दिए हम। कब डलवाएंगे? आपको देते हैं जरूरत अभी है, डलवाएंगे कब? आपको दूसरे गाँव में आपकी कैटल सीट आई है, उसका पैसा भी निकल चुका है, तो अभी तक आपने बनवाई क्यों नहीं है? मिला ही नहीं तो बनवाए क्या? लेकिन लिस्ट में दिखा रहा है आपका पैसा निकल गया है तो? मिला ही नहीं है, प्रधान ने दिया ही नहीं है। प्रधान से बात की थी? की थी, गए बनवाएंगे बनवाएंगे, बनवाई ही नहीं है। कितने महीने हो गए, साल हो गए। आवाज क्यों नहीं मिला आपको? वो कहते हैं कि देंगे, वो बाद में देते नहीं है। रुपए पे लिए क्या? और क्या? कितने रुपए लिए? एक 500 लेंगे दुबावा। कुछ भी नहीं, कहते कॉलोनी आएगी, कुछ भी नहीं आती है। बहुत परेशानी है। काय की परेशानी है? परेशानी है जे रही बे बसे छाया ना है, अब गिरो ठडारो गामे माइया माइया बैठत रह, मछरिया ना फड़कत रह। ये मकान आपका है? हां। ये ससुर दाई प्रधान जी से नहीं कहा था आपने? खूब कही, प्रधान नहीं सुना। प्रधान जी क्या कहते हैं? आप कहता कछु का सुनता नहीं। हां हां है कछु ना, हां है कछु ना, कछु ना, लेटरिंग लग नहीं रहती, बनना ही लला दई, कोई चीज नहीं हमारी। आपने शिकायत नहीं की कहीं? क्यों नहीं शिकायत किनते करें, आप पढ़े लिखे नहीं, कब कुबद्दू है तो तमाई लगा जा कन्नो जन्नो जानत नहीं कछु। लेटरिन आई आएगी, लेकिन लेटरिन ना पैसा मिला ना कुछ मिला ना, कॉलोनी के भी पैसे नहीं दे रहे। प्रधान से बात की थी आपने? प्रधान से कहा था, फोटो खींच लिया था, पैसा लिया था, कहते कि आइए आइए। प्रधान ने आपसे कितने पैसे लिए? 500 रुपया लिए। 500 रुपए लिए थे? हाँ। किसी अधिकारी से आपने शिकायत की? करी तो कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हमारे भाई साहब ना मकान है ना कुछ, एक दीवार है उस पे छप्पर पड़ा है जी। बाप भाई मजदूरी कर रहे हैं, उनको कोई सरकार से सुविधा नहीं मिल रही जी। माँ बीमार रहती 2400 घंटे जी। और घर घर ऐसे जब प्रधान साहब आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई हमें रहने के लिए आवास दो, आवास मिलता नहीं है। पैसे ले जाते हैं कि फार्म ऑनलाइन कराएंगे जाके, तुम्हारा नेट पे चढ़ाएंगे। आपने शिकायत नहीं की अधिकारी? शिकायत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारी नेट पे चढ़ चुकी है, और जब यहाँ पे आते हैं फोटो खींच ले जाते चले जाते, और कहते तुम्हारी नेट पे चढ़ी, जब पूछो तो नेट पे चढ़ी है, अभी तक आई नहीं है नेट, पता नहीं कितनी दूर पे है। 5 साल हो गए अभी तक आवास नहीं मिला? नहीं जी। कॉलोनी नहीं मिली, और मतलब मकान डरो है। इसी मकान में रहते हो आप? हम इसी मकान में रहते। आपने प्रधान जी से नहीं कहा? प्रधान जी तो खूब कही। क्या कहते? लेकिन सुनिए नहीं। क्या कहा?
जाकत अब कितना दे दी, अब कितना दे दी, अब कितना कब दे दी, अब जाना कब दे दी। जब प्रधान चले जाए तब तो नदी में कोई सवाल है नहीं। प्रधान जी को